Hello everyone, I am Shweta Amri Sharma from KMS Fashion. Good morning. आज हम पार्ट फोर करने जा रहे हैं पेपर सेकेंड जून 2018 का, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है. इसके जो हमने अभी तक के अपने क्वेश्चंस हैं वो आपको पहली पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के अंदर मिल जाएंगे. और जैसे ही हमारा ये सारा का सारे पार्ट्स ख़त्म होते हैं, आप हमारे इनको पेपर्स के जो कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका भी पीडीएफ फॉर्मेट से टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं. इसके लिए आपको दिए गए लिंक पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप KMS फैशन में जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं. वहाँ पर आपको लेटेस्ट सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी. हैंडी नोट्स अवेलेबल है जो कि कंप्लीट डिटेल्ड फॉर्मेट में होंगे. आपको शॉर्ट नहीं अभी अवेलेबल हो पाएंगे. वो कंप्लीट आपके नोट्स हैं जो एक पूरा बंच है. ऑल 10 यूनिट्स के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है, और अगर आप इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए चाहते हैं तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं. साथ के साथ अगर कोई वीडियो लेक्चर सुन के अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है हिंदी या इंग्लिश के अंदर, टेक्सटाइल अपेरल हो गया हमारा, फूड्स, न्यूट्रिशन, उसके लिए भी आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. और साथ के साथ अगर आप बाकी किसी भी यूनिट के लिए चाहते हैं कि हमारे से कोई भी हेल्प हो पाए, तो प्लीज़ आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर लिखिए, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं 3kmsfashion@gmail.com पे. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, दैट अजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है. कल वाली वीडियो के अंदर भी हमने अजर्शन रीज़न के क्वेश्चन किए. यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि अजर्शन रीज़न के जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार कई बच्चों के लिए, कई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होते हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन करें. तो मैं ये चाहूँगी कि जिस टाइम हम अजर्शन रीज़न की क्वेश्चंस को मैं आपको समझाती हूँ, आप उस फॉर्मेट को देखिए, आप उस तरीके को देखिए, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आपने अपने माइंड के अंदर भी अपने क्वेश्चन को रीड करना है, ताकि आप उसको अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट से कोरिलेट करके आंसर निकाल पाएँ. जैसा कि यहाँ पर अजर्शन दे रखा है कि वर्क कर्व इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर मैनेजिंग वर्क टाइम. तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो वर्क कर्व होता है वो क्या, हमारा ये हमारा मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम इसने क्या बात की है कि जो वर्क कर्व होता है क्या वो इम्पॉर्टेंट टूल है हमारा, कि अगर हम मैनेज करना चाहें काम को. या उसका रीज़न है कि वर्क कर्व हेल्प्स इन स्टडी द चेंज इन आउटपुट ऑफ वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जो वर्क कर्व है वो क्या हेल्प करता है, क्या मदद करता है कि जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब आप कोई काम अगर करना शुरू करते हैं तो अभी वो आपके इनिशियल स्टेज पे है, थोड़े टाइम बाद वो आपके फाइनल स्टेज पे आएगा, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम रहेगा और इससे ही हमारा क्या रहेगा, वर्क कर्व क्या बन जाएगा, वो हेल्प करता है. कुछ एक कोड्स दे रखे हैं जिसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज़ थर्ड, कि हमारा assertion और reason दोनों करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो सेकेंड टूल है हमारी वर्क टाइम का वो क्या है, हमारा वर्क कर्व है. यस, अ टिपिकल जो वर्क कर्व होता है वो किन स्टेजेस को फॉलो करता है, कि स्टार्ट, स्लशरी, शार्प, राइज, मतलब आपने स्टार्ट किया फिर आप उसको राइज पे ले आए, ठीक है. और फिर ग्राफ क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस का लेवल को क्रिएट करता है अगेंस्ट द टाइम स्पेंड एट वर्क, जितना आपने उस काम को करने के लिए टाइम को स्पेंड किया उसको वो किस हिसाब से दिखाता है, ग्राफ के वे में शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा assertion रीज़न का ही assertion है, लिसनिंग इज़ द सेम एक्टिविटी एज हियरिंग, कि हमारा जो लिसनिंग है और हमारी हियरिंग है दोनों चीज़ें सेम है. या उसका रीज़न इन्होंने क्या बोला है कि मोस्ट, अब ऐसे में आपको सबसे पहले का आंसर सोच लेना अपने माइंड में कि आपका assertion ट्रू है या फॉल्स है. उसके बाद हम अपने रीज़न की बात करेंगे कि मोस्ट पीपल आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग मैनी साउंड्स दैट दे डू नॉट लिसन टू एट ऑल, कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं वो ऐसे कैपेबल होते हैं कि वो अलग अलग तरह के साउंड्स को सुन सके, ठीक है, रिसीव करे, जिन्हें वो क्या होता है डू नॉट लिसन, उन्होंने पहले कभी उन साउंड्स को नहीं सुनी होती, लेकिन स्टिल कभी ना कभी टाइम पे उनको वो साउंड्स क्या है सुनाई, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुनी है. कोड है हमारा इनकरेक्ट और आर हमारा करेक्ट है. क्यों? क्योंकि हियरिंग और लिसनिंग क्या है, कभी भी सेम नहीं हो सकती, है ना. हियरिंग मतलब कि आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं, और लिसनिंग मतलब कि आपको वो चीज़ सुनाई दे रही है. तो हियरिंग क्या है, एक एक्ट है प्रिसीविंग साउंड का,
कि आप कहते हैं ना, क्या आपको मेरी आवाज़ सुन रही है, मींस कम आवाज़ तेज़ आवाज़ कैसे भी है ना, विदाउट कॉन्शियस माइंड भी हम हियरिंग करते हैं, और इट इज़ एन इनवॉलेंट्री एंड सिंपल रेफर टू द रिसेप्शन ऑफ ऑरल स्टिमुलस। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी वॉल्यूम आ रही है, कोई भी आवाज़ आ रही है, जैसे सपोज कीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है, दैट इज़ हियरिंग। एंड लिसनिंग क्या होता है, सेलेक्टिव एक्टिविटी। अगर आप मेरे को इस टाइम पे हियर कर रहे हैं तो मींस यू आर नॉट कॉन्शियस, आप प्रॉपर तरीके से मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो वो एक सेलेक्टिव एक्टिविटी है, जो क्या इन्वॉल्व करेगी, रिसेप्शन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑरल स्टिमुलाई। मतलब कि मेरी बात आप सुन भी रहे हैं, मेरी बात का आपको मतलब भी समझ में आ रहा है, और मेरी बात जो मैं जहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोल रही हूँ वो वहाँ पर आप अप्लाई भी करेंगे। तो हियरिंग जो अननेसेसरी, आपको जिसको हम नॉइस भी बोलते हैं, एनवायरमेंटल कोई भी नॉइसेज आती हैं वो सब हमारी हियरिंग होती है, और लिसनिंग हमारी क्या होती है, जिसको हम आप ये कह सकते हैं कि कॉन्शियस होकर हम उसको सुनते हैं, उसको उसको रिसिप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्शन रीजन दैट, अजर्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एज गर्ल एंड बॉयज कॉल्ड जेंडरिंग। इन्होंने क्या बोला है, जेंडरिंग की एक डेफिनेशन दी है। तो अगर आपको जेंडरिंग की डेफिनेशन होगी तो आप माइंड में सोच सकते हैं कि ये आपकी टर्म करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देन रीज़न क्या दे रखा है कि चाइल्ड इंटरनलाइज्ड बिहेवियर, जो चाइल्ड का अपना इंटरनल बिहेवियर होता है या उसका जो रोल्स होता है वो उसके जेंडर प्रोसेस के हिसाब से ही होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे, ये दोनों करेक्ट है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जेंडर का मतलब क्या होता है, कि पर्सन का सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है, वो गर्ल है या बॉय है। सो जेंडर सोशलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर चिल्ड्रन क्या लर्न करता है कि सोशल उसकी एक्सेप्टेंस एट्रीब्यूट। अब जैसे कि यहाँ पर हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि सेकंड चीज, फर्स्ट तो हमें पता है इट्स इनकरेक्ट, एंड सेकेंड इज क्योंकि आपको पता है गर्ल्स को क्या हम बोलते हैं कि पिंक कलर, फेमिनाइन कलर्स पसंद होते हैं, बॉयज़ को क्या होता है कि उनको ब्लू शेड्स, मस्कुलिन शेड्स पसंद होते हैं। सो वो एक जेंडर प्रोसेसिंग है, जेंडर रोल्स स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो कल्चरल के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है, एंड विच क्रिएट एक्सेप्शंस फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर मेल वर्सेज फीमेल, की मेल्स के लिए कुछ अलग बिहेवियर्स है, फीमेल के लिए कुछ अलग बिहेवियर है, और जेंडर रोल एनकाउंटर्ड होते हैं चिल्ड्रंस, जो हम चाइल्डहुड होता है वो बहुत ही मेजर पार्ट रोल करता है, मतलब मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, जिससे हमारा इंडिविजुअल का एक सेल्फ कंसेप्ट बनता है, हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपने बाकी अपने पूरे के पूरी ज़िंदगी के रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि जो हम बचपन में अपने आप को समझ लेते हैं उसी हिसाब से हम पूरी लाइफ, अगर हमें समझ में आ जाता है कि हम लड़के हैं तो हम लड़कों की तरह बिहेव करते हैं, समझ आता है कि हम लड़की हैं तो हम उसकी तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, दैट इज अजर्शन रीजन, अजर्शन क्या दे रखा है कि ऑर्गेनाइजिंग फॉर सोशल चेंज इज एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। मतलब कि हमें सोशल चेंज को ऑर्गेनाइज करना है, ये हम एम्पावर और या एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। रीज़न क्या दे रखा है कि ऑर्गेनाइज फॉर सोशल चेंज, अगर हम सोशल चेंज के लिए ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हैज़ टू बी वो प्रो एम्पावर्ड और प्रो रिच टू बी मोर इफेक्टिव होनी चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, दैट इज अजर्शन इज करेक्ट एंड रीज़न इज इनकरेक्ट। बाय, क्योंकि अजर्शन करेक्ट क्यों है, एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूट इज द वर्ल्ड्स प्रिमिनेंट कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इन द मेथडोलॉजी ऑफ एम्पावरमेंट, एंड इट इज़ प्रो एम्पावर्ड एंड प्रो रिच इन टू मेक सोशल चेंज इफेक्टिव। तो क्या है कि हमारा क्या बोला इन्होंने कि हमारा अजर्शन तो देखो इसलिए है क्योंकि एम्पावर और ट्रांसफॉर्मेशन की सोशल चेंज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सोशली चेंजेस होते हैं वो हमारे एम्पावरमेंट भी देता है और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ चेंजेस भी देता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो चेंज होते हैं एम्पावरमेंट के आर इट्स एंड द सोशल चेंज इफेक्टिव, हमारे ज़्यादा सोशल चेंज इफेक्टिव रहते हैं। किस तरह से सोशली ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर प्रोटीन कंटेंट पर 100 ग्राम ऑफ फूड। इसका क्या मतलब है कि ये इन्होंने कुछ एक फूड्स दे रखे हैं, 5 फूड्स दे रखे हैं, जैसे एग, हेन्से, आलमंड्स, वाइट ब्रेड, राजमा, बफेलो मिल्क। ये सब चीज़ों के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, हमें पता चल गया कि प्रोटीन है। अब ये 100 ग्राम दे रखे हैं, हमें ये बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कि प्रोटीन का जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा किस में है और सबसे कम किस में है। तो इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे, बफेलो मिल्क के अंदर 3.4 ग्राम होता है प्रोटीन, वाइट ब्रेड के अंदर 9 ग्राम, एग जो है हेन का उसके अंदर 13 ग्राम्स, आलमंड्स में 21.15 ग्राम एंड राजमा में 24 ग्राम। सो ये हमारा आप इसके साथ ही कंटेंट भी लिख सकते हैं और अपनी बुक्स के अंदर या आप नेट से कुछ एक बेसिक चीज़ों के, मैं ये नहीं बोलती कि आपको सबके ही याद करने, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, बट आप कुछ चीज़ों के कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको कोडिंग्स में ही मिलेंगी तो हम थोड़ा सा रिजेंबल कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए इसमें से आपको 2 के भी अगर याद हो तो आप इसका आंसर ज़रूर सही लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अरेंज करने के लिए है कि करेक्ट सीक्वेंस में रखना है कि किस तरह से हम मॉनिटरिंग करते हैं, इवेल्युएशन प्रोसेस करते हैं हमारे नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का। सो डेवलप करते हैं हम स्ट्रक्चर फॉर द एनालिसिस, डिटरमाइन की इंडिकेटर्स फॉर द इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस, राइट अप द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, आइडेंटिटी पैटर्न ट्रेंड एंड पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंडिकेटर्स। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ 4th, क्या है, BEADC। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिटरमाइन करेंगे कोई भी की इंडिकेटर। अब इन्होंने क्या चीज़ बोला है कि हमारा नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उस नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम को हम मॉनिटर और इवेल्यूएट करने का मेन सीक्वेंस क्या लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कुछ एक की स्किल्स, की इंडिकेटर्स रख लेंगे कि हमें कहाँ कहाँ इवेल्यूएट करना है और कहाँ कहाँ मॉनिटर करना है। फिर हम क्या करेंगे, उन्हीं इंडिकेटर्स की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एक डेवलप करेंगे स्ट्रक्चर ताकि हम क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे उनके पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, और पॉसिबल इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब उसके बारे में पॉसिबल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि अब जो हमने कलेक्ट की इन्फॉर्मेशन, जो हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, उसके अंदर से हमारा क्या आंसर निकला। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइंडिंग्स निकले उसको ईजिली लिख लेंगे और उसके कंक्लूजन को भी लिख लेंगे। अगर आप लोगों ने थीसिस राइटिंग किया होगा तो उसके अंदर भी आप इस चीज़ को उसके अकॉर्डिंग भी आप मर्ज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द प्रोसेस ऑफ चीज मेकिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर, चीज मेकिंग मतलब चीज किस तरह से बनती है। सो कोड दे रखे हैं, कर्ड फॉर्मेशन, छेदर, पेस्टराइजेशन, राइपिंग, मोल्डिंग एंड मिलिंग एंड सॉल्टिंग। सो करेक्ट हमारा क्या रहेगा, 3rd, दैट इज पेस्टराइजेशन। सबसे पहले क्या चीज होगी, पेस्टराइजेशन क्या होगा, डज किल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। हम पेस्टराइजेशन प्रोसेस क्यों करते हैं, क्योंकि हम जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देते हैं, उनको किल कर देते हैं, और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं दैट गिव सम रॉ मिल्क चीजी देयर यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स फ्लेवर। वो हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारे मिल्क को क्या देते हैं, एक चीजी इफेक्ट देते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्लेवर देते हैं। देन कर्ड की फॉर्मेशन होती है, एट रिनेंट एंड फॉर्म कर्ड। अब वो हमारा मिल्क कैसा फॉर्म करता है, चीज मिल्क इज लेफ्ट टू द फॉर्म कर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसको कुछ टाइम के लिए हम रख देते हैं और उसकी कर्ड बन जाती है। देन द कंसनट्रेटेड कर्ड, अब जो हमारी कंसनट्रेटेड कर्ड थी उसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट्स पे, ताकि उसके अंदर से क्या हो, हमारा वे निकल जाए, वे हमारा अलग हो जाए और वो बाकी का बाकी मेल्ट करना स्टार्ट कर दे। देन मिलिंग एंड सॉल्टिंग के अंदर क्या आता है, सॉल्ट प्रमोट क्या करती है, डी वॉटरिंग। जैसे हम सॉल्ट डालेंगे तो और जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें से निकल जाएगा, सॉल्ट डालने पे वो पानी छोड़ देता है, ठीक है। एंड रिंड फॉर्मेशन इन ब्राइन सॉल्टेड चीज थ्रू इट्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ, उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, एंजाइम्स थे, वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। एंड देन मोल्डिंग, मोल्डिंग का मतलब मोल्ड्स और हूप्स के अंदर उनको शेप देने के लिए हम रख देते हैं, ताकि हमारी चीज कर्ड्स लीव यू द विद द साइज एंड फॉर्म यू डिज़ायर। जिस भी शेप में, जिस भी साइज में हम अपनी चीज़ को रखना चाहते हैं वो उस साइज में फॉर्म हो जाते हैं। एंड लास्ट इज राइपनिंग, दैट इज वो हमारे बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो जाता है, रिलीज करता है एक फ्लेवर को, जो हमारा चीज़ का फ्लेवर होता है, चीज़ का टेक्स्चर हमारा अच्छा बन जाता है। सो ये हमारा क्या प्रोसेस था, चीज़ बनाने का प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज करना है हमें अपना राइट सीक्वेंस किसका, TQM का, TQM प्रोग्राम है।
है हमारा, उसका हमें क्या करना है, सीक्वेंस, उसके स्टेप्स के सीक्वेंस को प्रॉपरली अरेंज करना है. दैट इज ब्रेनस्टॉर्म, बी परसिस्टेंट, एनालाइज द प्रोसेस, बी ओपन माइंडेड एंड फ्लेक्सिबल, लर्न फ्रॉम अदर्स, बी सिलेक्टिव, लिसन टू एम्प्लॉयज प्रॉब्लम. करेक्ट कोड है इसमें थर्ड, दैट इज सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकस ऑन द कस्टमर. फोकस ऑन द कस्टमर का मतलब क्या है कि हम एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम का, जो भी हमारी प्रॉब्लम हो रही है उसका हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. फिर हम एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, मतलब कि हम ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबिलिटी से एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे. देन प्रोसेस सेंटर्ड, प्रोसेस सेंटर्ड मतलब अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. देन इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, हम सिलेक्टिव हो जाएंगे कि अब कौन से स्ट्रक्चर के अंदर हमें काम शुरू करना है. एंड देन स्ट्रैटेजिक अप्रोच, स्ट्रैटेजिक अप्रोच मतलब हम परसिस्टेंट हो जाएंगे, किस अकॉर्डिंग हमें चलना है, क्लियर कम्युनिकेशन होगी ताकि हमें एम्प्लॉय की प्रॉब्लम का पता चले. एंड इटरेटिव इम्प्रूवमेंट होगी, मतलब लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हम उनकी राय जान के सीखेंगे. सो ये हमारा प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस रहेगा हमारे TQM प्रोग्राम के लिए. नेक्स्ट अरेंजमेंट पूछा है इन्होंने, लैंग्वेज इन डेवलप करनी है हमें चिल्ड्रन के अंदर लैंग्वेज, तो उसके लिए हमें कौन सा सीक्वेंस अपनाना पड़ेगा, होलोफ्रेस्टिक, अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टेलीग्राफिक स्टेज, लिंग्विस्टिक इंट्यूशंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट, दैट इज सबसे पहले होलोफ्रेस्टिक हमारा, होलोफ्रेस्टिक हमारा होगा. होलोफ्रेस्टिक का मतलब क्या होता है, वन वर्ड स्टेज अकर बिटवीन अप्रॉक्सीमेट 11 मंथ ऑफ एज एंड 1.5 ईयर्स, मतलब जब बच्चा हमारा 11 महीने का होता है या 1.5 ईयर का होता है तो वो किस तरह की लैंग्वेज बोलता है, वो होलोफ्रेस्टिक लैंग्वेज बोलता है. उसके बाद क्या होता है, मतलब वो कुछ एक वर्ड्स, वन वर्ड बोलता है, लाइक मम्मा, डैडा या दादा या कुछ भी इस तरह का. नो वर्ड को भी वो समझना शुरू करता है, इसलिए आपने देखा होगा कई बच्चों को आप बार बार नो 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 कहते हैं तो वो उस चीज़ के लिए रिएक्ट करते हैं. उसके बाद वो टेलीग्राफिक स्टेज पे आ जाते हैं, जब वो क्या करते हैं, 2.5 साल के अराउंड हो जाते हैं और वो रफली बोलना शुरू करते हैं. तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं उनको वो क्या करते हैं, दे आर ट्राइड टू कंक्रीट लेक्सिकल एक्सप्रेशन इन अर्ली चाइल्ड स्पीच लाइक सिंपल सेंटेंस. पहले वो सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, फिर वो उन सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं एंड और बिकॉज से, एंड देन वो लिंग्विस्टिक इंट्यूशंस चिल्ड्रन कैन नाउ रिफ्लेक्ट अपॉन. वो ग्रामेटिकल, लिंग्विस्टिक आपकी इंट्यूशंस क्या हैं, वो आपको ग्रामेटिकल जो स्पीच होती है, ग्रामेटिकल मीन्स टेंसेज को यूज़ करके वो बात करना शुरू कर देते हैं. उनको पता होता है कि कहाँ वर्ब है, कहाँ द लगाना है, कहाँ हमें आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, क्या वॉवल्स है. वो हमारे ग्रामर को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बात बोलते हैं. तो ये हमारा एक प्रोसेस है, ये हमारा सीक्वेंस है जिसके अंदर हम डेवलप कर सकते हैं लैंग्वेज चिल्ड्रन के अंदर. 17th क्वेश्चन है, दैट इज हमें क्या बताना है, सीक्वेंस बताना है माइलस्टोन ड्यूरिंग इन्फेंसी. इन्फेंसी के दौरान हमारा माइलस्टोन क्या रहता है, तो ऑप्शंस है सोशल स्माइल, सिट्स विदाउट सपोर्ट, टर्न्स फ्रॉम प्रॉन टू सुपाइन, पुल्स टू स्टैंड एंड क्लाइंब स्टेयर्स. सो करेक्ट कोड है फर्स्ट, दैट इज सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट माइलस्टोन होता है, उसके अंदर हमारा ये क्या है, सोशल स्माइल. वो पहले बच्चा क्या होता है, अपनी केयर गिवर जो उसकी माँ है उसको स्माइल करता है, लेकिन बाद में वो क्या करना शुरू करता है, सोशली स्माइल करना शुरू करता है. फिर वो टर्न्स करता है फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन, देन सिट्स विदाउट सपोर्ट, पुल्स टू स्टैंड, देन लास्ट इज क्लाइंब स्टेयर्स. सो ये वाला आप अपने अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखोगे, समझोगे, तब आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं. एंड मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ एक चीज़ कि कभी भी आपकी इस तरह की कोई भी सिचुएशन आए, देन जस्ट थॉट अबाउट द पर्सन और द सिचुएशन इन योर लाइफ जिससे आप कोरिलेट कर सकें. क्वेश्चन नंबर 71, द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल्स. टेक्सटाइल्स की प्रोसेसिंग के अंदर करेक्ट सीक्वेंस बताना है, दैट इज़ ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, स्कवरिंग, सिंजिंग एंड डिसाइजिंग. सो करेक्ट सीक्वेंस है हमारा सेकंड, दैट इज़ सबसे पहले हमारा सिंजिंग प्रोसेस होता है. सिंजिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम स्मूद करते हैं अपने सर्फेस को, मतलब जो भी हमारा फिनिश्ड सर्फेस होता है फैब्रिक का उसको हम क्या करते हैं, स्मूद करते हैं. क्यों, ताकि हमारा जो स्टेपल फाइबर था वो हमारा क्या हो, वो उससे जो अनवॉन्टेड एंड्स जो ऊपर की तरफ रह जाते हैं वो हमारे ख़त्म हो सके. देन आता है हमारा डिसाइजिंग प्रोसेस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वॉप यान जो होता है हमारा, जब हम वोव करते हैं, जब हम वीव करते हैं अपने यान में,
अपने वोवन फैब्रिक बनाते हैं तो जो वॉप यान है उसके ऊपर से हम साइज को हटाते हैं, मतलब हम स्टार्च को हटाते हैं और जो साइजिंग मटेरियल हमारे वॉप के ऊपर चढ़ा होता है ताकि हम वो हमारा रेजिस्ट रह सके, किससे, डाई से या केमिकल से, हमारी टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग के अंदर। फिर हम स्कौरिंग यूज़ करते हैं। स्कौरिंग बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि फॉरन पार्टिकल्स को हम रिमूव कर सके, ताकि डलनेस को हम रिमूव कर सके, ताकि जो भी ग्रीस ऑयल है उसको हम हटा सके। देन ब्लीचिंग, ब्लीचिंग क्यों यूज़ की जाती है, ताकि हमारे कपड़ा, हमारा फाइबर वाइट हो सके, वो हमारे उसके अंदर क्या दे सके, क्लीन वाइट इफेक्ट दे सके। एंड लास्ट इज मर्सराइजिंग, दैट इज़ ये एक प्रोसेस होता है, ये हमारा फिनिशिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं कास्टिक सोडा से, दैट इज़ NaOH सॉल्यूशन से, ताकि हमारे फाइबर की क्या हो, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके, एज रेजिस्टेंस आए, उसके अंदर लस्चर आए और डाई एफिनिटी भी उसकी बढ़ जाए, इसके लिए हम मर्सराइजेशन प्रोसेस करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्कौरिंग, ब्लीचिंग एंड लास्ट इज मर्सराइजेशन। सो सेम एज मैंने आपको जो बताया कि आपको क्या करना है, डे टू डे लाइफ में इनको लेके आना है और उसके अकॉर्डिंग आप काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल्स, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आपसे अटैम्प्ट नहीं भी हो, अगर आपको, इफ़ यू फील कि आपको नहीं आता, बट एटलीस्ट यू नो वन और टू ऑप्शंस, तो हम उससे भी कोरिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है आपने कानी शॉल वीविंग की। सो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, ड्रॉइंग ऑफ डिज़ाइन पैटर्न, थ्रेडिंग of warp into the loom, weaving of shawl in long strips, winding of threads, combining and spinning of fibers, collecting and sorting of fleece, joining together of fragmented of शॉल एंड वॉशिंग एंड डाइंग। सो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा कि आप ये देखिए कि प्रोसेस आपके कैसे लाइन बाय लाइन चलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकेंड, देखते हैं किस तरह से है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्लीज को कलेक्ट करेंगे, फिर हम सॉर्ट करेंगे उसको अकॉर्डिंग टू फाइन एंड कोरस हेयर्स। उसमें सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, हम क्वालिटी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं कि ये सुपीरियर क्वांटिटी है उनकी एक तरफ और ये ख़राब है, या जिस भी तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। देन आती है हमारी कॉम्बिंग टू फाइंड पश्मीना। हम पश्मीना क्या है, हमारी सबसे अच्छी वूल है, उसको हम क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं। कॉम्ब करने से क्या होता है, लस्टर आती है और वो फाइन रहते हैं और सिमिलर हमारे फाइबर्स जो है वो पैरेलली आ जाते हैं, मिल जाते हैं हमें। फिर हम उसको प्लाई करते हैं किस पे, चरखा के अंदर, मतलब हम स्पिनिंग प्रोसेस क्रिएट करते हैं उसका, स्पिनिंग करते हैं फाइबर्स की, ताकि उससे क्या बने, हमारा यान बन सके। फिर हम उसको रंगरेज, दैट इज़ हम उसको वॉश करते हैं, ताकि हम वॉशिंग के बाद क्या हो सके, डाई एफिनिटी बढ़े और हम उसको डाई कर सके। फिर उसको बोलते हैं ट्यूटन, दैट इज़ ट्यूलन, दैट इज़ वाइंडिंग ऑफ थ्रेड्स। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, वाइंड करेंगे, उसको लपेट लेंगे धागे को। फिर उसके बाद हम उसको लूप में जाके वॉप के ऊपर चढ़ा के उससे कपड़ा बुन सकेंगे। देन हम उसको अलग अलग तरह के पैटर्न्स के अंदर फॉर्म कर देंगे। देन हम उसको वीव करेंगे शॉल को, लॉन्ग स्ट्रिप फ्रेगमेंटेड ऑन द सेपरेट लूम, एक अलग लूम पे जिसमें हमारी कानी शॉल्स बनती है, कानी वीवर्स काम करेंगे उसमें, ठीक है, जिसमें कॉलर मतलब तरह गुरु या फिर आपके तालियान गुरुज जो हैं, पैटर्न मेकर्स जो होते हैं, वो हमें क्या करेंगे, कानी शॉल का एक पैटर्न देंगे और हम ज्वाइन करेंगे इन शॉल्स की अलग अलग स्टिचेस को। और साथ बाद में क्या होगा, रफूगर क्या करेगा, अपना कंप्लीट वीविंग प्रोसेस कर देगा। सो ये हमारा करेक्ट क्या था, करेक्ट हमारा ऑप्शन था, करेक्ट सीक्वेंस था कानी शॉल वीविंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कंज्यूमर पासिस थ्रू 5 स्टेजेस इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस। जो हमारा बाइंग का डिसीजन प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारी कितनी स्टेजेस होती है, 5 स्टेजेस होती है। अरेंज करना है इनको करेक्ट ऑर्डर में। सो इन्फॉर्मेशन सर्च, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, परचेज डन, पोस्ट परचेज बिहेवियर या इवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। सो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज सबसे पहले क्या आएगा कि हमारी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या चीज़ करेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब जितने भी हमारे डिसीजन बनते हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए ही बनते हैं। और कंज्यूमर क्या करते हैं, क्या हमारी नीड्स है, क्या हमारी वांट्स है, क्या हम चाहते हैं, किस तरह से हम सेटिस्फाइड होंगे, इससे रिलेटेड वो बात करते हैं। देन आता है हमारी इन्फॉर्मेशन सर्च। इन्फॉर्मेशन सर्च का मतलब क्या होता है कि हमारा रिसर्च का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उतना उसमें हमारी कितनी नीड्स, हमारी कितनी वांट्स सेटिस्फाइड हो रही है। देन इवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव,
हर काम करने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी हमारे पास रहना चाहिए ताकि हमारा काम रुके ना. सो वंस द कंज्यूमर हैड डिटरमाइंड दैट द सेटिस्फाइड देयर वांट्स एंड नीड्स दे विल बिगिन टू सीक आउट द बेस्ट डील. जब उनको पता चल गई कि हमारी बेस्ट डील हमें मिल गई है तो वो क्या करते हैं, उसको लेना शुरू कर देते हैं. और कंज्यूमर रीड मैनी रिव्यूज़ एंड कंपेयर. अब हम क्या करते हैं, एक लैपटॉप भी खरीदने चाहे तो हम क्या करते हैं, फ़ोन या कोई भी एक चीज़ आप खरीदने चाहते हो तो आप 2-3 दुकानों के ऊपर देखते हो, कंपेयर करते हो ताकि अगर एक जगह ना मिले तो आप दूसरी जगह जा सके. ठीक है, या एक के आपको पैरामीटर्स में यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एक की कॉस्ट आपको महंगी लगे, एक सस्ता लगे और आपको सब चीज़ें सेम मिल रही हो तो आप किसके पास जाएंगे, सस्ते वाले के पास जाएंगे. सो ये सब हमारे थोड़े से मेथड होते हैं. देन परचेज डिसीजन, फिर हम क्या डिसीजन करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं कि अब हमें कौन से वाला परचेज करना है. एंड लास्ट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर, परचेज करने के बाद जो हमारा बिहेवियर रहता है वो. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पोस्ट परचेज बिहेवियर यहाँ दे रखा है तो हमें पता है कि इस तरह का जो चीज़ है वो बाद का हमारा ऑप्शन रह सकता है. क्वेश्चन नंबर 74, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल. फैमिली लाइफ साइकिल की स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ अकरेंस करना है कि किस समय पे हमारी ये सब चीज़ें अकर होती है. तो ये आप अपनी लाइफ को भी, अपने आप को भी देख के इसको स्टेजेस को प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं. जैसे ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एलिमेंट्री स्कूल, चाइल्ड बियरिंग एंड प्री स्कूल, वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ चाइल्ड, हाई स्कूल एंड कॉलेज, रिटायरमेंट एंड फाइनेंशियली रिकवरी. सो करेक्ट ऑप्शन इज आर 4, दैट इज सबसे पहला क्या होगा, चाइल्ड को हम बियर करेंगे जब चाइल्ड पैदा होता है से लेकर उसके प्री स्कूल के टाइम तक. फिर उसके बाद उसका पीरियड आता है जब वो बच्चा नॉर्मली एस्टेब्लिश होता है और अपना एलिमेंट्री स्कूल के अंदर जाना शुरू कर देता है. एलिमेंट्री स्कूल के बाद वो हाई स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जाता है. देन वो अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग करता है. वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब आपकी स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग्स होती है. देन लास्ट में उसका फाइनेंशियल रिकवरी आती है एंड एट लास्ट इज रिटायरमेंट. सो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, दैट इज 4th नंबर ऑफ सीक्वेंस. क्वेश्चन नंबर 75, अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है आपका, जो समय के साथ का ऑर्डर होता है, टाइम के साथ आपका चलता रहता है वो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है. तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग एक्ट्स की बात की. अब हम ये देखेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा जो एक्ट है वो कब आया था. इस क्वेश्चन को करने से आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे. एक तो आपको इन एक्ट्स के नाम पता चल जाएंगे, एक साथ के साथ अगर आप इन एक्ट्स को, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप इसकी पर्टिकुलरली कौन से एक्ट्स को याद कीज करें या फिर कौन से, इतने सारे एक्ट्स हैं हम सबको नहीं याद कर सकते, तो एटलीस्ट जो इन्होंने ऑप्शंस में दिया आप उन एक्ट्स को तो गो थ्रू कर सकते हैं. सो आपका इसका क्या मतलब है कि आप इन 6 एक्ट्स को एटलीस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, इससे आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है. करेक्ट ऑप्शन है 2nd, दैट इज सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, देन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1961 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन 1971, प्री कंसेप्शन प्री एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जिसे हम PCPNDT एक्ट बोलते हैं 94 में आया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारा 2005 में आया, और सेक्सुअली हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये हमारा प्रिवेंशन प्रोहिबिटेशन और रीड्रेसल एक्ट जो था वो 2013 के अंदर आया. सो ये हमारा क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हमारा अलग अलग एक्ट्स के इम्प्लाई होने का. क्वेश्चन नंबर 76, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ परसुएसिव स्पीच एज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोल. एरिस्टोल ने कौन सी हमारी परसुएसिव स्पीच को के स्टेप्स को दिए, तो उसको भी हमें क्या करना है, प्रॉपर सेंटेंस प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर देना है. दैट इज अरेंजमेंट, इन्वेंशन, स्टाइल, डिलीवरी या मेमोरी. करेक्ट ऑप्शन है 3rd, दैट इज एक्सप्लेनेशन. रेटोरिक इज द आर्ट ऑफ पर्सुएशन विच अमंग विद ग्रामर या लॉजिक्स के साथ उन्होंने दिया. 5 कैनन्स थे उसके, क्या क्या था, सबसे पहले था इन्वेंशन, वो क्या करते हैं इन्वेंट करते हैं, देन अरेंजमेंट, देन स्टाइल, देन मेमोरी एंड डिलीवरी. सो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही है, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन कर रखा है, तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं. और यहाँ से आप क्या उठा सकते हैं, हम टॉपिक्स उठा सकते हैं. सबसे मेन बात, अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें तो वो
अपने रोज़ की एटलीस्ट जो हम प्रीवियस ईयर आपको करा रहे हैं 20 क्वेश्चन है, तो मीन्स यू हैव 20 टॉपिक्स फॉर टूडे टू लर्न, बिकॉज हम मॉर्निंग के अंदर ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं. तो आप 20 क्वेश्चन का मतलब है आपके पास 20 टॉपिक है जिनके बारे में आप आज के दिन पढ़ सकते हैं. आप इस तरह से भी अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं. सो मैच द टेस्ट गिवन इन लिस्ट फर्स्ट एंड विद द केमिकल कंपाउंड्स. हमारे क्या दे रखे हैं, इसमें कुछ टेस्ट दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड्स दे रखे हैं. कौन से टेस्ट हमारे कौन से केमिकल कंपाउंड पे बनेंगे इसकी बात करेंगे हम. सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारा फर्स्ट आएगा, दैट इज सेलिवांगफो ऑफ टेस्ट. जो है ये केमिकल टेस्ट है हमारा, जो क्या डिस्टिंग्विश करता है हमारी एल्डोज और कीटोन शुगर्स के बीच का डिफरेंस को बताता है. जिसके अंदर अगर शुगर के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कीटोज है, और अगर उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एल्डोज है. सो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये पता चल गया है कि इन वाले ये वाले टेस्ट हमारे आ सकते हैं. देन नेक्स्ट है फेलिंग्स टेस्ट. फेलिंग टेस्ट क्या है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है ये, जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं क्या चीज़ हमारी शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में. तो हमारी कितनी तरह के शुगर होते हैं, दो शुगर्स, दैट इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, उनके बारे में हम फेलिंग टेस्ट से पता कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा केजडल टेस्ट. इस टेस्ट से क्या पता चलता है कि जो हमने फूड को डाइजेस्ट किया है स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा, वो हमारा कहाँ से है, नाइट्रोजन से रिलीज हो रहा है, और डिटरमाइन बाय अ सुटेबल टाइट्रेशन टेक्निक, एक हमारी टेक्निक को वो क्या कर रहा है, सुटेबल है. देन लास्ट सेकंड लास्ट इज आर जेंथ्रोप्रोटिक टेस्ट. ये हमारा डिटेक्ट करता है कि कितना प्रोटीन की, यहाँ से प्रोटेटिक से आप कर सकते प्रोटीन सोल्यूबल, सो कितनी हमारी प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी प्रेजेंट थी हमारे, और हमने किसको यूज़ किया था, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया था. देन आती है हमारी नाइट्रोप्रियोसाइड टेस्ट. इससे क्या पता चलता है कि कौन से हमारे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है हमारे सल्फर के अंदर, क्लियर. और रेड ब्लड ग्रुप कॉल्ड मॉर्नर टेस्ट, इसको हम एक और टेस्ट के नाम से जानते हैं, दैट इज मॉर्नर टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हमारी लिस्ट दे रखी है, ये न्यूट्रिएंट्स है हमारे और ये उनकी डेफिशिएंसी है, तो ये भी हम इजीली बता सकते हैं. दैट इज फर्स्ट इज आर ऑप्शन, बिकॉज मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया. मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, ये एक एनीमिया की ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर हमारे लार्ज रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं नंबर्स में. और एनीमिया क्या होता है, एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं एज़ कंपेरेटिव टू नॉर्मल पर्सन. Using मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन विटामिन बी या फॉलिक एसिड के अंदर हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है. देन जिंक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो काफ़ी सारा जो सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में उसके अंदर सिंगल हमें सिम्टम्स नहीं मिलता जिंक की डेफिशिएंसी का, लेकिन कॉमन सिम्टम्स में क्या होता है, लॉस या फिर डिमिनिश हो जाते हैं आपके जब स्मेल या टेस्ट बर्ड्स, आपकी पुअर वोंड, आपकी वोंड हील जल्दी नहीं होती, हेयर का लॉस होता है, या फिर हमारी स्किन और में रफनेस आनी शुरू हो जाती है, या फिर मेंस के अंदर लो लिबिडो हो जाता है, मींस उनको उस तरह से वो फीलिंग्स जो सेक्सुअल अरोज फीलिंग्स होती है वो उतनी ज़्यादा प्रॉपरली नहीं हो पाती. कैल्शियम की बात करेंगे, तो ये एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारा कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम जो है, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया है, वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और उसकी वजह से उसके हैंड्स, फीट्स, क्रैम्स, पैम्स ऑफ द वॉइस, ये सब के अंदर क्या होता है, डिफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. और टेंटनी क्या है, एक ऐसा रिजल्ट है जिसके अंदर टेंटनी किस वजह से होती है, आपकी लो सोड कैल्शियम की वजह से होती है. लो कैल्शियम जब हमारा कहाँ पर हो, ब्लड के अंदर हो. आयरन की वजह से हमें क्या होता है, वैसे तो बेसिकली हमें आयरन डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, और ये हमारे किसके लिए यूजफुल होती है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट, ताकि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप हो, और ब्रेन स्ट्रक्चर का कैसा हो जो हमारा आयोडीन डेफिशिएंसी को इफेक्ट करे, और किसको, माइक्रोस्ट्रक्चर सच एज मिलियंस एंड न्यूरोट्रांसमिशंस को ये क्या करता है, इंक्लूड करता है इन एरियाज को. देन राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी को हम आरबिबोफ्लेवोनोइसिस भी बोलते हैं, आरबिनोफ्लेवोनोइस रिजल्ट करता है कि जो हमारा स्टोमैच इंक्लूड होता है, पेन हो जाता है उसके अंदर, रेड टंग हो जाती है, थ्रॉट सोर हो जाता है, ठीक है, और फिज्यूरी लिप्स रहते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है हमारे माउथ के अंदर. तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे फॉलिक एसिड के न्यूट्रिएंट्स हैं. और लाइक फॉलिक एसिड आपका किस चीज़ से करता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया. देन आपका जिंक किस चीज़ से करता है, हाइपोग्यूजिया.
देन आपका कैल्शियम क्या कहता है, टेटनी। देन आपका आयोडीन क्या कहता है, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शंस। एंड लास्ट राइबोफ्लेमिन क्या चीज़ कहता है, चिलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें दो लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर एक के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, फाइटोकेमिकल अल्फा लिपोइक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लूटोनिक, सेलेनियम। और इधर हमें क्या कैंसर के प्रिवेंशंस होते हैं, कौन से उसके सोर्सेज को लेना चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 4, क्योंकि फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, लो करते हैं हमारे कैंसर के रिस्क को और हमें प्रिवेंट भी करते हैं किससे, कि जो भी हमारा कैंसर के लिए ट्यूमर होता है उसकी जो भी ग्रोथ होती है या उसकी जो कोई भी उसकी डेवलपमेंट होती है उसके हार्मोन की, वो कैसी हो सके, डिक्रीज हो सके। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं हमारे, ब्रोकली, कैबेज, केल, कॉलीफ्लावर, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, ये सब हमारे फाइटोकेमिकल्स के अंदर लाई करते हैं। सो यहाँ पर भी हमारा फाइटोकेमिकल्स के अंदर क्या लाई कर रहा है हमारा, यहाँ पर दैट इज़ ब्रोकली। नेक्स्ट अल्फा लिपोइक एसिड, जिसे हम ALP भी बोलते हैं, ये हमारा मेनली वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, दैट इज स्पिनच एंड ब्रोकली। हमारे पहले के अंदर भी ब्रोकली आया आप, लेकिन इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि बिकॉज और भी चीज़ें हैं। और स्मॉल अमाउंट किस चीज़ में प्रेजेंट होती है, टमाटो, पटैटो, स्वीट पटैटो, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, पीस। और ये हमारा फाउंड होती है मीट के अंदर, ऑर्गन मीट्स कौन से, हमारे हार्ट, लिवर और किडनी के अंदर। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, प्रॉपर्टी होती है जो हमारी अल्फा लिपोइक एसिड्स के अंदर, वो हमारी अलग अलग बेनिफिट्स से लिंक होती है। जैसे वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है और हमारी एजिंग को भी कम करती है और हमारे नर्वस फंक्शंस को अच्छे से निभाती है। और जितने भी हमारे फ्लेवोनॉइड्स हैं जो ग्रीन टीज के अंदर है, पर्टिकुलरली वो बिलीव करते हैं कि वो हेल्थ बेनिफिट के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन टी को। देन एस्फेगस एक हाई ग्लूटोटियोनिक एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, वायरसेस से हमें डिफेंड करता है, बचाता है, काफ़ी तरह के कैंसर्स से भी ये हमें क्या करता है, बूस्ट देता है और इम्यून रखता है। नेशनल कैंसर जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है कैंसर को डेवलप होने में। सेलेनियम एक असेंशियल हमारा न्यूट्रिएंट्स है ह्यूमन हेल्थ का, जिसके अंदर क्या करता है, वो हमारी इलनेस से फाइट करता है। और साथ के साथ कुछ एक फूड्स की जो हम बात करें, सी फूड हो गए, मीट हो गया, सीरियल, ब्रेड और अदर हमारे ग्रेन्स हो गए, या आपका पोल्ट्री, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो इसके अंदर क्या करता है, लाई करता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, फाइटोकेमिकल्स जो है वो ब्रोकली है, अल्फा लिपोइक एसिड हमारा पोटैटोज है, फ्लेवोनॉइड्स हमारा ग्रीन टी है, देन ग्लूटोथोलियल हमारा एस्फेगस है, एंड सेलेनियम हमारा क्या चीज़ है, दैट इज सी फूड। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच करने हमें ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ और उनके फूड्स हैं। सो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं जिससे वो ट्रांसमिटेड होते हैं, सेलमोनलिया, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रोडम, बॉट्यूलम, टेनिया, सोलियम और शिगेला। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड, दैट इज सेलमोनिया हमारा क्या है, ह्यूमंस के अंदर ये कंट्रास्ट है थ्रू द कंटेमिनेटेड जो भी हमारा एनिमल ओरिजिन फूड है, मतलब आपका एग हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया या मिल्क हो गया या फिर आपका ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये कंटेमिनेटेड होते हैं मैन्योर के द्वारा, मैन्योर मतलब आपके खाद के द्वारा ये खराब होते हैं। देन स्ट्रेप्टोकोकस कैसे अकर करता है, ये रॉ मिल्क के अंदर, जो काओ का हमारा रॉ मिल्क होता है, कब करता है, जब काओ को क्या हो, सफ़र करती है मैस्टिसिस, एक मैस्टिसिस प्रॉब्लम से काओ हमारी सफ़र करती है, तब हमारा पेस्टराइजेशन क्या होता है, दिस इज डिक्रीज्ड इन लाइट ऑफ वाइड स्प्रेड पेस्टराइजेशन। देन क्लस्ट्रम बॉट्यूलियम क्या है हमारा, ये फूड बॉर्न बॉट्यूलियम है, फूड बॉर्न डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, इंजेशन ऑफ इन एडिक्वेट कुक्ड फूड, कुक्ड फूड की हम इंजेशन नहीं कर सकते, उसको अंदर नहीं ले सकते और प्रोसेस नहीं करते, या फिर रिफाइंड फूड्स इन विच टॉक्सिक है फॉर्म, टॉक्सिक बन जाता है केंड या हमारे अल्काइड फूड्स के अंदर। देन टाइनिया सोलियम हमारा क्या होता है, जब कोई भी पर्सन रॉ या अनकुक्ड या इन्फेक्टेड पोर्क को खा लेता है तब। एंड लास्ट इज शिगेला, सैलड हो गया, रॉ वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री हो गई, इससे हमें क्या है, ये हमारे मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा जो हमारा सेलमोनलिया है, दैट इज आर एग्स एंड मीट प्रोडक्ट्स, स्ट्रेप्टोकोकस इज आर क्रीम एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, देन कोलेस्ट्रम बॉट्यूलम इज लो एसिड गेन्ड फूड्स,
देन टाइनिया सोलियम हमारा क्या चीज़ है, पोर कैंडिडेट्स प्रोडक्ट्स, एंड लास्ट इज आर शिगेलिया इज रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलड्स। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने भी आज के हमारे 20 क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और अगर आपको ये हमारी रूटीन की वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। उससे हमें और ज़्यादा वीडियोज़ आपको और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड करने में हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है आप हमसे वो ले सकते हैं और हम भी ट्राई करेंगे कि कंप्लीट आपका साथ दे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।